शालीन भनोत ने क्या अब सुम्बुल का साथ छोड़कर टीना का हाथ पकड़ लिया है? जी हाँ, टीना और शालीन के बीच में आज सुबह से बातचीत हो रही थी, जिसमें एक बात तो साफ है कि अब शालीन और टीना मिलकर गेम खेलने वाले हैं और साइडलाइन हो जाएंगी सुम्बुल। मैं आपको बता दूं कि कल टीना ने शालीन से ये बात साफ साफ पूछ ली थी कि तुम्हारा और सुम्बुल का बाहर से कोई कनेक्शन है, पहले से जानते हो या कुछ है क्या तुम दोनों के बीच, जिस पर शालीन ने कहा कि अरे वो तो बच्ची है। इसके बाद हमने कल सुम्बुल को रोते हुए भी देखा। तो आज सुबह से जो है टीना और शालीन एक साथ बैठे थे और घर की बहुत सारी बातों को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। वहीं चाहे मान्या हो, सौंदर्य हो, इन सारी चीज़ों को लेकर वो डिस्कशन करते हुए नजर आए, लेकिन शालीन की बातों से ये तो साफ था कि वो जो है टीना के साथ मिलकर अब गेम खेलना चाहते हैं और सुम्बुल को जो है वो साइडलाइन कर चुके हैं। एक बात है कि जिस तरीके से घर के अंदर पहले ही हफ्ते में इक्वेशंस बदली हैं, उससे एक बात तय है कि यहाँ पर वाकई कोई किसी पर विश्वास करने के लायक नहीं। अब्दू, जिसको घर के लोग इतना पसंद करते हैं, लेकिन जब कल उनके और एमसी स्टैंड के बीच में मुकाबला था तो जिस तरीके से लोगों ने अब्दू को धोखा दिया, ये बात वाकई में काफी हैरान करने वाली थी। तो अब शालीन और टीना, हालांकि टीना पहले से ही चाहती थी कि वो शालीन के साथ मिलकर गेम खेले, वो इस बात को लेकर जो है शुरू से ट्राई कर रही थी, लेकिन अब जो है ऐसा लगता है कि मानो टीना और शालीन के बीच जो है चीज़ें क्लिक हुई हैं और अब ये दोनों एक साथ गेम खेलते हुए नजर आने वाले हैं।